मैंने तो बड़े बुजुर्गों को ये कहते हुए सुना है कि जो आदमी जिसका उधार नहीं दे पाता उसका छोटा होता है। चाचा पहले हमारे यहाँ हेलीकॉप्टर से दूध आता था, सोने के पेस्ट से हम ब्रश करके सोते थे। फिर कुछ दोस्त बने, उन्होंने पैसे उधार ले लिए, अब देखिए सुबह टट्टी करने के लिए भी बीड़ी पीनी पड़ती है। रावण में लाख बुराइयाँ थीं, लेकिन उसने कभी विभीषण के पैसे का चाय नहीं पिया। बाबू एक जमाना था जब हम अमीर हुआ करते थे, फिर चार सोमवार बीता, पांचवा सोमवार आया, उस दिन 6 तारीख थी, 7-8 दोस्त बन गए और उन्होंने 9-10 रुपये उधार ले लिए। आज देखो सोने के बाद रात को नींद ही नहीं आती और ये उधार भी नहीं देते। सोनू तुम किस ट्रिप की बात कर रहे हो मेरे भाई? कुछ लोगों को तो पहाड़ के नाम से ही चक्कर आने लगते हैं कि पैसे देने पड़ेंगे। और 6 दिन का डेस्टिनेशन, कुछ 6 मिनट का सोचो, 10,000 नहीं 10 रुपये का बजट, नहीं ये तो वो भी नहीं दे पाते। आज तक मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं जहाज़ के अलावा और किसी के कैरियर पे बैठूंगा, आज देखो साइकिल के कैरियर पे बैठनी पड़ रही है।